वेलकम टू एसआई कंप्यूटर जोन। एसआई कंप्यूटर जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के बारे में, जिसके बाद हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर डीसीए कोर्स का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर के बारे में। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड मदर मतलब सिंपली मदर मतलब क्या होता है? माता। और बोर्ड मतलब इसका जो माता है, जो इसको सर्वाइव करवा रहा है। आपकी माता ने क्या किया? आपको जन्म दिया, आपको आपका लालन पालन पोषण कर रही है। तो इसका भी लालन पालन पोषण, कंप्यूटर का भी लालन पालन पोषण कौन करेगा? कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि उसका ख्याल रखे, उसके सब कार्य को करे करवाए। आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती है? एक काम कर देती है। भगवान के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा आविष्कार है, बोल सकते हैं कि माता। वैसे ही ये जो है मदरबोर्ड, जो है यही जो है कंप्यूटर का मेन ऑफ द पार्ट है, जहाँ से ही कंप्यूटर को पावर सप्लाई से लेकर प्रोसेसिंग करने का भी होता है, और प्रोसेसिंग करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद रैम रोम आपका आपका फिर और भी जितना भी डाटा जो कलेक्ट किए जाते हैं इसी के अंदर किए जाते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसी के अंदर क्या किया जाता है? डाटा को कलेक्ट किया जाता है। शो मोटा मोटा हम लोग जानते हैं कि जान लेते हैं कि पहले कि मदरबोर्ड है क्या। तो मदरबोर्ड जो है वो एक सर्किट है जो कि आपके सीपीयू पे लगा हुआ रहता है। कहाँ पे लगा हुआ रहता है? तो आपके सीपीयू में लगा हुआ रहता है। ये ना आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के मॉनिटर में लगा हुआ रहता है, और ना ही कहाँ लगा हुआ रहता है और किसी पार्ट में। ये लगा हुआ रहता है आपके प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में, ठीक है। और सीपीयू में क्या होता है कि इसी से सारे केबल, इसी जो यही जो मदरबोर्ड है, यही जो है आपके सारे जो फंक्शंस हैं, सारे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उन सबों को ये जोड़ के रखता है। मदर क्या करती है? माँ क्या करती है? सभी को बाइंड करके रखती है ना, सभी भाई बेटा बेटा बेटी को अपने साथ एक साथ जोड़ के रखती है ना। वैसे ही ये क्या करती है? सभी कंप्यूटर के सभी जो पार्ट्स हैं उसको क्या करती है? जोड़ के रखती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन मिल जाता है इस केबल, इस जो ये सब जो दिख रहा है इस पिन्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ये सब में हम लोग यूज कर इसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या डालते हैं? तो स्पीकर का हो गया, या स्पीकर का, ब्लूटूथ का, वो सब का हम लोग जो पिन जो है वो यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डाटा केबल का डालते हैं, के कीबोर्ड का हो गया, माउस का हो गया, ये सब का जो है हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ये स्लोट जो है यहाँ पे हम लोग रैम को रखते हैं, ठीक है। इधर आपका रैम हो गया, इधर आपका रोम हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए एक फैन है जिसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहीं से पूरे सर्किट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन सेंड रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा यूनिट लगा हुआ है। देखिए मॉनिटर में ही मेमोरी लगा हुआ रहता है, प्रोसेसर सॉकेट लगा हुआ रहता है, नॉर्थ ब्राइट ब्रिज लगा हुआ रहता है, एजीपी लगा हुआ रहता है, पीसीआई लगा हुआ रहता है, साटा लगा हुआ रहता है, बीआईओएस लगा हुआ रहता है, साउथ ब्रिज लगा हुआ रहता है। अब आप बोलिएगा कि सर हमको ये सब के बारे में डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सो ये सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे हार्डवेयर के चैप्टर में। इट मीन्स कि जब आप हार्डवेयर का कोर्स करेंगे, ये जैसे सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं, ये हमारा जो कोर्स हो रहा है वो सॉफ्टवेयर जोन का कोर्स हो रहा है। आप डीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर जोन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में नहीं जान के उसके सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। जबकि आप जब हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जब हार्डवेयर का सेपरेट कोर्स करेंगे, तब आपको मदरबोर्ड का एक एक पार्ट, सीपीयू का एक एक पार्ट खोल के बताया जाएगा, कीबोर्ड का एक एक कीज को खोल के बताया जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ना है कि आखिर मदरबोर्ड होता क्या है और मदरबोर्ड से हम लोग क्या जानते हैं। तो जानते हैं अब क्या होता है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, ये क्या होता है? एक सर्किट होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये क्या है? एक सर्किट है जो कि क्या है? सर्किट बोर्ड है। और किसके लिए है ये? कंप्यूटर के लिए, ठीक है।
ऑन विच द प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, हार्ड ड्राइव एटसेट्रा आर प्लग्ड इन टू द वेरियस स्लॉट। इसमें क्या होता है कि इसी मदरबोर्ड में आप क्या करते हैं कि प्रोसेसर, जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर का लगा हुआ रहता है, यहाँ आपका रैम लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका इस साइड में आपका मेमोरी लगा हुआ रहता है, ठीक है, इस साइड में कहीं मेमोरी का सीट रहता है, यहाँ पे आपके सॉकेट्स लगे हुए रहते हैं, प्लग किए हुए रहते हैं, ठीक है। द मदरबोर्ड इज शोन इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर में हम लोग मदरबोर्ड को देखते हैं। अब मदरबोर्ड का यूज क्या है, तो ये मदरबोर्ड का यूज है कि सारे केबल्स को क्या करते हैं, कहीं ऐसा जगह होना चाहिए ना जहाँ पे, मतलब हम लोग, अगर आपका भाई है, मान के चलिए आप चार भाई बहन हैं, आपके तीन भाई आपकी एक बहन है, और आप तीनों भाई बहन में लड़ाई हो गया, तो आप उसका दुखड़ा, मतलब आप सही हो या आप गलत हो, उस किसको सुनाने के लिए जाओगे, अपनी मम्मी को जाओगे बताने के लिए ना कि मम्मी मेरे भैया ने हमको मार दिया, या मम्मी मेरी बहन ने हमको मार दिया, या बहन कोई देख रही होगी तो वो कहेगा भैया ने मेरे को जाके मार दिया, ठीक है, एक झाप मार दी दिया या रुला दिया, जैसे भी कहेंगे। तो अब ये लोग का क्या होता है कि सबको कहाँ जाते हैं, तो मदर बोर्ड में जाते हैं, और मदर बोर्ड में जाके क्या होते हैं, प्लग्ड होते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका मदर बोर्ड, जिसके बाद आता है अब हमारा रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। तो हमेशा की तरह अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं और इस कोर्स को अब तक हमारे साथ लीड कर रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को कंप्यूटर के क्षेत्र में ऐसा बनाना चाह रहे हैं जैसा कोई और हो भी ना। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट हो तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो आपका जो एक्सपीरियंस है, उसे इन्हेंस करता है एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आपको एक बल देता है कि आप किसी संस्था के साथ जुड़ने के बाद, आपने एक किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद आपने क्या किया, एक सर्टिफिकेट को होल्ड किया, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको आपकी क्षमताओं की, आपकी प्रतिभाओं को क्या करता है, निखारता है या फिर शो करता है दूसरे की तरफ, दूसरे पर। तो आप जाएंगे अगर किसी कंपनी पर या किसी किसी एग्जामिनेशन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ जाता है कि आप DCA कोर्स किए हैं, तो DCA कोर्स आपने कहाँ से किया है, कैसे किया है, आपके मार्क्स कितने थे। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत अवश्य पड़ेगी। आप हमारे साथ अगर DCA कोर्स कर रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए अब हम लोग भी बता देते हैं कि हमारी संस्था SI कंप्यूटर जोन की जो हमारी जो संस्था है, वो भी आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो DCA कोर्स कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने में सक्षम है। हम लोग आपको कैसे सर्टिफिकेट पहुंचाए, उससे पहले ये बता देते हैं कि हम लोग में क्या खूबियां हैं। ये खूबी हम लोग में है, हमारी सर्टिफिकेट्स में है, जो कि आप SIO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट को अपने पास रखेंगे, जिससे नॉट ओवर इन इंडिया आप विश्व के किसी भी कोने में जाके अपना अपने कौशल प्रतिभा के द्वारा अपने जॉब को हासिल कर पाएंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब बताते हैं कि आप कैसे इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। तो डायरेक्ट आप हमें कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप किस पे करेंगे, तो 6206273092 पर व्हाट्सएप नंबर ये मेरा है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पे आप हम मुझे कॉल करेंगे डायरेक्ट, और क्या करेंगे, मुझे फॉर्म के रिकॉर्डिंग बात करेंगे, हमसे फॉर्म मांग लेंगे, ठीक है। फॉर्म मांगेंगे तो आपका फॉर्म हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे देंगे, जिसके बाद आपको उस फॉर्म का हार्ड कॉपी निकालने के बाद उसे फॉर्म को फिल करना है, और उसे फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है स्कैन करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपका फॉर्म जो है उसे हम अपने वेबसाइट में करेंगे लॉगिन करके, आपके आपके एप्लीकेशन को, आपके फॉर्म को क्या करेंगे, हम लोग रजिस्टर करेंगे, और उस रजिस्टर का एक रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा नॉमिनल फी है 999, जो कि 9 के बराबर है। अगर आप किसी बाहरी संस्था से जाके अगर सर्टिफिकेट लेते हैं और कोर्स करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 5,000 से 15,000 के लमसम में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि हमारा प्रण है कि हम गरीब से गरीब बच्चों को भी फ्री में और मुफ्त शिक्षा ग्रहण करवाएं, और उन्हें भी कंप्यूटर के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करवाएं। इसलिए हमारा कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री है, और इसलिए हम लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए एक 999 का छोटा सा नॉमिनल चार्ज रखा है, जिस पर आपका कुरियर चार्ज और इस सर्टिफिकेट का चार्ज, जो मुझे
अपने हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है, इसी पर इंक्लूडेड है, ठीक है। जिसके बाद मैं आपको ये सर्टिफिकेट कैसे दूंगा, तो ये सर्टिफिकेट आप हमसे लेंगे वो तो पता चल गया, लेकिन मैं आपको ये सर्टिफिकेट कैसे दूंगा, तो ये सर्टिफिकेट मैं आपको आपके घर तक पहुंचाऊंगा विद कुरियर, बाय कुरियर, ठीक है। आपके घर तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा, कुरियर के थ्रू। शो देर ना करते हैं और आज ही आप अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट बनने में छोटा सा एग्जाम भी देना पड़ेगा, और वो एग्जाम देने में या फिर यूं कहें तो आपके सर्टिफिकेट बनने में लमसम 1 से 2 मंथ लग ही जाते हैं, मतलब कि आपको 2 से 3 मंथ के अंदर ही आपके घर तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सो उतना देर लगता है, इसलिए आप आज ही कॉल उठाएं, मतलब फोन उठाएं, फोन में हमें कांटेक्ट करें और हमसे इस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इंक्वायरी हासिल करें, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कौन संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मदरबोर्ड, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मदरबोर्ड वैसा चीज है जिसके पास सब कुछ है, इसके पास क्या है, सब कुछ है। तो प्रोसेसर भी कहाँ है, मदरबोर्ड के पास है। अब प्रोसेसर होता क्या है, अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है ना, इसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं, मतलब हम लोग तो कहते हैं कि इसको सीपीयू, ये डब्बा को हम लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है, इस डब्बे को हम लोग सीपीयू कहते हैं, बट ये डब्बा सीपीयू थोड़ी ना होता है। इस डब्बे का नाम सीपीयू हम लोग ने रखा है, बट इसका ओरिजिनल नाम सीपीयू नहीं है। ओरिजिनल नाम सीपीयू जो है वो इसका है, प्रोसेसिंग यूनिट है। ये प्रोसेसर है जो कि प्रोसेसर जो है जो कि प्रोसेस करता है, ठीक है। अब आप मोटा मोटा हम समझा देते हैं आपके थ्योरी के अलावा कि प्रोसेसर होता क्या है, जिसके बाद हम लोग प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रोसेसर होता क्या है। तो किसी भी कार्य को प्रोसेस करने के लिए, किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए क्या होती है, किसी एक इंसान की जरूरत होती है। मतलब हम लोग अगर घर में कोई काम करवा रहे हैं तो कोई एक बड़ा आदमी होना चाहिए जो कि हमें गाइडेंस करे, हमें देखे, हमें प्रोसेस करे। तो वैसे ही होता है आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम। वो क्या होता है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो दिया गया रहता है, या आपके कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर संचालित होता है। इसी के द्वारा आपके कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड करता है, इसी के द्वारा आपके कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्षमता के आने के बाद हैंग नहीं करता, वगैरह वगैरह, जो भी ये प्रोसेसिंग जो भी करता है वो किसके द्वारा करता है, तो आपके प्रोसेसर के द्वारा करता है, ठीक है। तो प्रोसेसर कहते किसको है, अब चलिए हम लोग जानते हैं। प्रोसेसर इज ऑलवेज नो ऑल्सो नोन एज सीपीयू। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीपीयू किसे कहते हैं, तो प्रोसेसर को कहते हैं, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसिंग पावर टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है कि ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस और क्या करता है, पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को। ये क्या करता है, शक्ति देता है, मतलब किस विषय पे शक्ति देता है, कि काम करने की एक सहानुभूति, मतलब मोटिवेशन देता है, ये आप कह सकते हैं कि अगर आम भाषा में कहें तो ये उसको कमांड देता है, ठीक है। इट कंट्रोल एक्टिविटी, इट कंट्रोल्स एक्टिविटी इन द कंप्यूटर। ये क्या करता है, आपके द्वारा किए गए, कंप्यूटर में किए गए सारे एक्टिविटीज को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उसी के थ्रू ये कार्य करवाता है। जैसे कि मैं इसे चला रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो कर्सर है वो कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्सर किसके द्वारा कर रहा है, तो मेरे माउस के द्वारा कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को प्रोसेसर के द्वारा ही प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कैसे काम करता है, तो आपके ब्रेन, आपका ब्रेन जो है वो ही मतलब क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस समय ये कहिए। अच्छा, आपके ब्रेन का इंस्ट्रक्शन देना ना देना कैसे पता चलता है, तो सपोज कीजिए कि आपने गलती से क्या, कि आपने आग में हाथ रख दिए, ठीक है, या गर्म पानी को अचानक छू दिए, तो आपका क्या होता है, आपका हाथ झट से उठ जाता है, उठता है ना, तो वो कौन कहता है कि आपका ब्रेन कहता है। तो उसी तरह आपके कंप्यूटर में जो कोई भी कार्य हो रहा है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो कौन देता है, तो प्रोसेसर देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। व्हेन द यूजर गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर देन द प्रोसेसर प्रोसेस इट एंड शो रिजल्ट्स टू द वन टू दैट वन, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोग कोई यूजर, जैसे कि मैं यूजर हूं, मैं यहां अभी कुछ टाइप करूंगा, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, हम लोग इनपुट दिए तो वो जैसे कि मैंने शुरू वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं,
उसके बाद क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो हम लोग इनपुट दिए, ठीक है, तो वो इनपुट कंप्यूटर के अंदर गया, तो वो कंप्यूटर को अंदर जाने से पहले क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसका कुछ कार्य होता है कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, वो कार्य होने के बाद उसका आउटकम मिलता है, उसका रिजल्ट हमको शो होता है, और वो शो कहाँ पे होता है, तो हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे और कहीं और पे भी। ठीक है, तो ये सब कौन प्रोसेस करता है, तो ये सब प्रोसेस करता है हमारा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर बहुत तरह के होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंटेल जो है ये इसका कंपनी का नाम है। अब इंटेल के जगह पे आप कोई और भी कंपनी हो सकता है, ठीक है, इंटेल के जगह पे ड्यूल कोर भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए Core i7 है, ये कौन सा थी है आपका, Core i7 है प्रोसेसर, कौन सा i7 प्रोसेसर है। आप देखे होंगे नॉर्मल i3 प्रोसेसर आता है, ठीक है, i5 प्रोसेसर आता है, i7 प्रोसेसर आता है, ठीक है, i7 प्रोसेसर आता है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे प्रोसेसर के टाइप्स हो गए ये सब। अब कुछ ना कुछ तो होंगे ना, कि थोड़ा सा कम काम करने वाला, थोड़ा सा बेसी काम करने वाला, थोड़ा सा और बेसी काम करने वाला। तो ये थोड़ा सा काम करने, थोड़ा बेसी काम करने वाला है, इससे पहले जो सब है वो लोग थोड़ा काम करने वाले हैं, ये i3 से ज्यादा बेसी काम करने वाला है, ज्यादा काम करने वाला, और ये है उससे भी ज्यादा काम करने वाला, उससे भी बेसी काम करेगा। ठीक है, जिसके बाद अब आता है हमारा पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट देखिए ये हमारा होता है, जिससे हमारा क्या, कंप्यूटर जो होता है वो पावर सप्लाई करता है। क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, मतलब हम लोग, अब आप कहिएगा कि सर पावर सप्लाई करने के लिए कंप्यूटर में ये पावर सप्लाई यूनिट को क्यों लगाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, SMPS लिखा हो, SMPS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये SMPS आखिर कंप्यूटर में लगाया क्यों जाता है, जब हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, हम लोग उस कंप्यूटर को पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही कर रहे हैं, तो ये पावर सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है, इसका काम क्यों है। तो ये क्या करता है ना, कि आपके जो कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो प्रोवाइड कौन सा करंट रहता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो वो जो डायरेक्ट करंट रहता है उसे हम लोग नहीं, ये SMPS क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है किसमें, एसी करंट में। और ये एसी करंट में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर जो है वो डीसी करंट पे ना चल के वो किस करंट पे चलता है, एसी करंट पे चलता है। और इसे कन्वर्ट करने के लिए किस चीज का यूज करना पड़ता है, तो पावर सप्लाई यूनिट यानी कि SMPS का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका यूज सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता है, और भी बहुत जगह होते हैं, कहीं कहीं और भी होते हैं। अब बोलिएगा कहाँ होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में खोज के बताना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देखिएगा, एक जब शादी बराती, जब पार्टी वाला का दिन आता है, जैसे अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो आपके घर आंगन के सामने देखिएगा क्या होगा, कि बारात आएगा, तो उससे पहले साज सजावट के लिए क्या होता है ना, बोर्ड लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, जिसमें LED बल्ब्स के डिजाइंस रहते हैं, कोई इंसान है जो कि फूल की वर्षा कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ऐसे ऐसे करके लाइट जगमग जगमग कर रहा है, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं LED बल्ब, है ना। तो वो LED बल्ब के पीछे क्या होता है, एक SMPS का यूज किया हुआ रहता है, SMPS का यूज किया हुआ रहता है। देखिएगा उसको क्या करेगा, उसके पीछे छोटा सा लगाया हुआ रहता है, आजकल तो छोटा सा लगाया हुआ रहता है, बट पहले वाले देखेंगे ना, पुराना वाला अगर कोई लगा दिया रहेगा, तो पुराना वाला में बिल्कुल SMPS के साइज का ही एक SMPS को उसमें लगाया जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता है, पावर सप्लाई होता था, उसके थ्रू DC करंट को किस में कन्वर्ट करता था वो लोग, AC करंट में, और उससे क्या होता था, फिर वो लाइट जो है जगमग करता था। अब बोलिएगा कि LED को क्यों उसको कन्वर्ट करते थे, तो डायरेक्ट करंट जब देंगे ना हम लोग, अगर डायरेक्ट करंट डायरेक्ट हम लोग दे देंगे उसको, तो वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, वो उसका जो बल्ब जो है वो सब उड़ जाते हैं। खैर वो तो अलग हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, इट इज नोन एज SMPS, इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, SMPS। पावर सप्लाई यूनिट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, SMPS के नाम से जानते हैं। SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका क्या है, फुल फॉर्म है,
स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, विच इज वर्क टू सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। इसका काम क्या है कि पावर को सप्लाई करेगा। यहां से देखिए, यहां पे केबल लगा हुआ रहता है जो कि आपका बाहर रहता है, ये केबल में ही लगता है जब, और यहाँ पे एक सॉकेट लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक सॉकेट लगता है, मतलब एक प्लग इन होता है यहाँ पे, और इसके थ्रू बाहर एक प्लग इन होता है, और एक इधर से प्लग इन होता है, जो दो तीन तार इधर रहते हैं वो सब जाके आपके मदरबोर्ड में जाके लगते हैं, ठीक है, और ये जो रहता है आपका कंप्यूटर में लगता है, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है, इसका भी सप्लाई कहीं मदरबोर्ड में ही रहता है, और इसके थ्रू पावर का सप्लाई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट ट्रांसफर डीसी करंट टू एसी करंट इन द कंप्यूटर। ये क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। डीसी करंट को क्या करता है, एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। खैर, आप लोग तो समझ ही गए होंगे डीसी करंट और एसी करंट किसे कहते हैं और कैसे होता है, तो एग्जांपल देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैं आपके एग्जांपल्स की वेट कर रहा हूँ। और इसके बाद एक और चीज़ कि आप लोग आते तो ज़रूर हैं, क्लास करते तो हैं, क्लास करने के बाद आप लोग ना अपने अटेंडेंस को बनाते नहीं हैं, जिससे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अब कौन अटेंडेंस कर रहा है और कौन अटेंडेंस नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अब क्या कहूँगा कि आप अपना नाम, अपना अपना नाम और अपना स्टेट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस, आपका नाम क्या है, आप और आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि मेरे स्टूडेंट्स किस किन स्टेट्स में हैं। और आप अगर इंडिया के बाहर से देख रहे हैं तो आप उन उस देश का भी नाम बताइएगा, जैसे एग्जांपल के रूप में हमारा बगल का पड़ोसी देश नेपाल या भूटान, या फिर आप बांग्लादेश से देख रहे हो, या फिर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से भी अगर आप देख रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना ज़रूर कि आप कहाँ, किस राज्य से देख रहे हो, किस देश से देख रहे हो और आपका नाम क्या है। सो अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में, जिसके बाद आज के नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, डीसीए कोर्स का सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आज के दिन ही कंप्लीट कर दिए हैं। तो मिलते हैं कल का वीडियो, कल के क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।